हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर गाइस। और ये मंदिर हमारे कैलकटा में ही स्थित है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई मंदिर है, देखिए हनुमान जी की मूर्ति, और मैं यहाँ पे आके इतना खुश हो गई थी और आप मेरे चेहरे से ये देख सकते हैं गाइस। तो गाइज़, अभी मैं आपको बताऊंगी, आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, कैलकटा में किस जगह पे है ये मंदिर और आप इजीली कैसे यहाँ पे आ सकते हो उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो गाइज़, ये EM बाईपास, अगर आप जानते हो, कैलकटा के रहने वाले हो या फिर अगर कैलकटा घूमने के लिए भी आ रहे हो ना, तो आप ITC के ठीक पास में आपको बाईपास ढाबा मिलेगा। बाईपास ढाबा के जस्ट बगल वाला जो लेन है, देखिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ अच्छे से, देखिए हम जा रहे थे बाईपास ढाबा, हमने जब जैसे ही पहुँचेंगे उसी के जस्ट पास वाला गली, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करिए। और ये है यहाँ पे खूबसूरत सा मंदिर और इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन दुर्गा मंदिर। यस गाइस, ये मंदिर गाड़ी का रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप गई थी तो वहाँ पे मेरी नज़र अचानक से इस मंदिर पे पड़ी। बट क्योंकि उस समय मुझे गाड़ी का रिपेयर वर्क करवाना था तो मैंने सोचा कि नहीं, हम कुछ भी का होगा इवनिंग में आएंगे। तो भगवान जी ने हमें बुला लिया यहाँ पे, तो मैं, मम्मी और शोमिल, हम तीनों आ गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये खूबसूरत सा मंदिर गाइस, प्लीज़ एक बार आओ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मन की। और आप जो भी मंदिर देख लो ना, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, फिर उसके बाद दुर्गा माँ का मंदिर है और शिव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, उसके बाद जगन्नाथ ठाकुर, यहाँ पे हर चीज़ है गाइस, सारे भगवान जी के यहाँ पे मंदिर थे और बहुत खूबसूरत लगा था। मैं एक एक मंदिर में जय करने के बाद उस मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। और जब भी आप कोई भी मंदिर जाते हो तो परिक्रमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में जो भी इच्छा है, आस्था है, जो भी आपकी फीलिंग है, वो आप भगवान जी को कहिए। देखिए कृष्ण भगवान, राधिका जी और जगन्नाथ जी भगवान की मूर्ति सब एक साथ है। तो आप मन से अपना सच्चे इमोशंस के साथ आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए अपनी विश को पूरा करिए और आप सच्ची आस्था से जो भी विश करेंगे आपका ज़रूर पूरा होगा। और ये बहुत ही जागृत मंदिर है यहाँ के ना गाइस, अगर आप कभी भी यहाँ पे विजिट करते हो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। देखिए जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे आरती का टाइम था और देखिए कितने अच्छे से पूजा हो रही है, इतने अच्छे से आरती हो रही है। हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे, कुछ टाइम हमने यहाँ पे बैठ के बिताया और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। और गाइस, आप अगर कभी भी प्लान करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों, कपल, कोई भी हो, ये देखिए हम और शोमल और मम्मी, हम लोग तीनों यहाँ पे खड़े हुए थे। हम लोग, काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था, मन को शांति मिल रही थी। और जब भी आप ऐसी मंदिर विज़िट करते हो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मन की शांति, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जब भी आप बहुत दुखी होते हो या बहुत ज़्यादा खुश होते हो या फिर कभी कभार बस ऐसे यूं ही बिना किसी पर्पस के आप बस कोई भी अपने आसपास के मंदिर जाओ, आप देखना वहाँ पे आपको कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है। स्पेशली मुझे, मैं, मम्मी पापा, शोमिल, हम सबको मिलता है। आप भी ट्राई करोगे, कभी बहुत अशांत रहो या बहुत खुश भी रहो या फिर बहुत कोई, मतलब ऐसे मिक्स्ड इमोशन चल रहा हो लाइफ में, कंफ्यूजन चल रही हो, शांति से भगवान जी के सामने बैठ के आँख बंद करके जो भी मांगना चाहते हो या कहना चाहते हो वो कहिए और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज़, आई होप आपको जो मैंने ये वीडियो दिखाया, आप यहाँ पे ज़रूर आने की कोशिश करोगे। और बहुत ज़्यादा पास है, आप यहाँ पे बस से, गाड़ी से, टू व्हीलर, जो भी है, आप अगर यहाँ के आसपास रहते हो, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, बंगाली में लिखा हुआ है, तो मेट्रोपॉलिटन दुर्गा मंदिर आप ज़रूर आ सकते हो। बाहर में पूरी तरह से ग्रीनरी वगैरह, प्लांट्स वगैरह सब कुछ है। और ये देखिए इतना खूबसूरत सा यहाँ पे एक लेक है और वहाँ पे ये फाउंटेन चल रहा है, रंग बिरंगे पानी निकल रही है यहाँ से और इस जगह को खूबसूरत और ब्यूटीफुल बना रहा है। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।